हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। एज इन अर्लियर लेक्चर वी हैव सीन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एज यू विल नो दैट कंप्यूटर जनरेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू टिल द आवर फिफ्थ जनरेशन। As we have seen, generation 1, first generation was full of technology named active tube. In second generation, we have discussed about the transistor. In third generation, we have discussed about the IC, integrated circuits, or it is also known as chip. In fourth generation, we have discussed about the microprocessor and microprocessor which using VLSI technology, means very large scale integration. और बच्चों हमने फिफ्थ जनरेशन में देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम, AI देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI रोबोटिक्स, जिसमें सोनी कंपनी ने AI नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया था। बच्चों तब से लेकर आज तक एक बड़े रूम में हॉल में रखे जाने वाले कंप्यूटर से लेकर आज तक आज स्मार्टफोन, टैबलेट और पाम टॉप के जमाने में हम पहुंच गए हैं। स्मार्टफोन फोर्थ जनरेशन, इतने सारे टेक्नोलॉजी हमारे आसपास की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और हम खुद भी ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सभी अब इस टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा वाकिफ हो गए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स ह्यूमन के जैसे ही कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के नाते जैसे ह्यूमन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वैसे ही बच्चों यहाँ आपको कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिस्ट आउट और एक्सप्लेन की जाने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बच्चों तो यहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस एंड लास्ट वर्ड, यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन 5। फर्स्ट वन है स्पीड। एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। वो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है, वो काफी सारे काम काफी तेज रफ्तार से कुछ मिनटों में कुछ घंटों में काम कर सकता है, जो काम बाकी मशीन और ह्यूमन बींग्स को जो काम करने में 15-20 दिन लगते हैं, वही काम ये कंप्यूटर हमारा सिर्फ 1 दिन में कर सकता है। उसकी स्पीड, काम करने की जो झड़प है, वो स्पीड है, वो काफी तेज रफ्तार से काम करता है। मतलब कि वो स्पीडोमेट्रिक डिवाइस है, उसकी स्पीड भी फास्ट है, काफी सारे कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन वो कुछ ही सेकंड्स और मिनट्स में परफॉर्म कर सकता है। तो बच्चों फर्स्ट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पर कंप्यूटर देखा जा रहा था, तब से लेकर आज तक बच्चों ये कंप्यूटर काफी तेजी से काम कर रहा है, उसकी स्पीड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कभी भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई है। फर्स्ट जनरेशन से लेकर आज तक बच्चों कंप्यूटर की स्पीड आगे ही बढ़ती जा रही है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है, काफी सारे काम एक्यूरेसी से करता है, उसके कोई भी काम में गड़बड़ नहीं होती है, कोई मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स या इंटरफियरेंस नहीं क्रिएट करता है। यदि हम कंप्यूटर को सही क्वेश्चन, सही इंफॉर्मेशन देंगे तो उनका रिजल्ट भी, कंप्यूटर हमको आउटपुट भी सही देगा, क्योंकि ये चीज हम यूजर्स पर निर्भर करती है कि हम कैसी इंस्ट्रक्शन और डेटा उसको देते हैं, सही देंगे तो वो सही देगा, गलत देंगे तो। एक्यूरेसी से साथ काम करो, आपने कितने भी सारे काम क्यों ना दे दो, कंप्यूटर की एक्यूरेसी कभी कम नहीं होती है। और बाकी मशीन की तुलना में कंपैरिजन में देखा जाए तो
कंप्यूटर की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। और ह्यूमन की बात करें तो हमें यदि दो तीन चार काम एक से ज्यादा काम दे दिए तो हमारी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, दो से ज्यादा देंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी और हमारी काम डाउन हो जाएगी। तो ह्यूमन होने के नाते हमारी एक्यूरेसी ज्यादातर काम बढ़ने से हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है या एक्यूरेसी ना चीज ही नहीं मिलती। अभी हमको ये 10 काम दे दिए या 12 काम दे दिए तो हम कह सकते हैं ऐसे देखा जाए कंप्यूटर को एक साथ 10-12 काम दे दिए, कुछ डाउनलोड करना, कुछ अपलोड करना, गाने सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है, कुछ स्कैनिंग चल रहा है, कोई प्रिंट निकल रही है, कोई स्कैनिंग चल रहा है, स्पीकर से गाना सुन रहे हो, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा है, कुछ अनइंस्टॉलेशन हो रहा है, काफी सारे काम आप एक ही टाइम पर कर रहे हो तो कंप्यूटर वही स्पीड से वही एक्यूरेसी के साथ अपना काम निपटाएगा। तो बच्चों ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है। नंबर 3 वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन और डिवाइस। तो बच्चों कंप्यूटर वर्सेटाइल, वो अलग अलग टाइप के डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट कैटेगरी के टास्क और काम एक ही टाइम पर कर सकता है। कभी नया काम मिले, कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाने को, नया प्रेजेंटेशन, नई सीट बनाने को, नए गाने सुनने को, नए वीडियो देखने, तो वो कभी इसी चीज को नया फील नहीं करेगा। और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा तो उसको ऐसा लगे कि ये नया काम है और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो वर्सेटाइल है। एक काम एक ही टाइम पर सेम टाइम पर वो मल्टीपल टास्क करता है और अलग अलग टाइम पर भी वो मल्टीपल टास्क या सेम टास्क कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज वेरी स्पीडोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज एन एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज अ वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नंबर 4 डिलीजेंस। बच्चों देखा जाए तो डिलीजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम इंसान के पास इमोशंस फीलिंग्स होती है, जब हम थक जाते हैं ज्यादा दिन काम करने के बाद या थोड़े थोड़े 3-3, 4-5 घंटे के काम के बाद हम थक जाते हैं, बोर्डनेस फील करते हैं, घंटा आता है, बोर्डनेस होती है, लेजीनेस फील होती है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन फोकस अप एंड डाउन होता रहता है, कहीं और कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, बार बार इंटरवल चाहिए, ब्रेक चाहिए फ्रेश होने के लिए, खाना है पीना है ये करना है, मूवी देखना है, टीवी देखना है, बाहर खेलना है, बाहर जाना है, हम काफी सारी एक्टिविटीज डे बाई डे टाइम बाई टाइम बदलते रहते हैं, क्योंकि हम वहां पर एक या दो काम में कंटिन्यूस काम करने के बाद हम बोर्डनेस या टायर्डनेस फील ना करें, इसलिए हम अपनी एक्टिविटीज अपना टास्क चेंज कर देते हैं, हम सो जाते हैं, खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, गाना सुनते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बाहर जाते हैं, काफी सारे काम और एक्टिविटीज बदलते रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर को कोई एक काम या दो काम कंटिन्यूस काफी घंटों तक या दिनों तक दिया जाए तो वो कंप्यूटर काफी सालों तक या महीनों तक वो काम करता ही रहेगा, वो कभी अपने बोर्डनेस या टायर्डनेस या इलनेस नहीं देते। जिसके हम इंसान इलनेस फील होता है, बीमार होते हैं, वीर होता है, ये होता है, यहाँ पेन होता है, ये होता है, फीवर होता है, ये होता है, लेकिन कंप्यूटर को कभी कोई इलनेस नहीं आती है। लगातार काफी घंटों तक काफी दिनों तक काम करने के बाद भी कंप्यूटर वही रफ्तार से वही एक्यूरेसी से अपना काम अच्छी तरह निपटा रहा है। तो बच्चों उसमें टायर्डनेस इलनेस बोर्डनेस नो, बिकॉज अ कंप्यूटर हैज नो इमोशंस नो फीलिंग्स। उसके बाद बात की जाए बच्चों तो नंबर 5 के लिए पर है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो बच्चों लास्ट बच्चों ह्यूमन पर बात की मशीन की तुलना में कंप्यूटर के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी मेमोरी पावर बिल्कुल ज्यादा ही है। हम इंसान का देखा जाए बच्चों तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास दो दिमाग होते हैं, देयर आर टू ब्रेन्स इन ह्यूमंस, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, बड़ा दिमाग और छोटा दिमाग। तो फिर भी हमारा मेमोरी ब्रेन पावर काफी कम होता है,
क्योंकि हम ज्यादातर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, या तो कुछ बातें और कुछ चीजों को कुछ दिनों बाद कुछ घंटों बाद भूल जाते हैं। किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद वो बच्चा वो इंसान को चीजें दिमाग में से निकल जाती है, भूल जाता है। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ लिमिटेशन से यूजर्स के पास ज्यादातर बातें या ज्यादातर सब्जेक्ट याद रखने हो, कोई ज्यादातर स्टोरी, कोई भी स्क्रिप्ट ज्यादातर लंबे अर्से तक याद रखनी हो और लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन याद रखनी हो तो हमें थोड़ा याद रखने में दिक्कत होती है। या तो कुछ लोग इसको याद ही नहीं रख पाते हैं क्योंकि मेमोरी स्टोरेज मतलब इंसान की मेमोरी कंप्यूटर की तुलना में लिमिटेड है। जैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, वो लंबे अर्से के टाइम तक वो अपने अंदर इंस्ट्रक्शन डेटा ऑफिसर मूवीज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेटा ठीक है ऑडियोज वीडियोज महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन काफी घंटों तक महीनों तक सालों तक वो अपने पास स्टोरेज करके रख सकता है बिना कोई दिक्कत। कितनी सारी स्टोरेज कैपेसिटी आपको पता है, जैसे इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। जैसे कि इंटरनल स्टोरेज मतलब मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी जिसमें आता है रैम और है ना बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम और रॉम मींस रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी इंटरनल और प्राइमरी और मेन मेमोरी है। जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप के पास सेकेंडरी मेमोरी है जिसका नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, लंबे अरसे तक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे कि बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क आपने सुना ही होगा, कितने 500 GB के डेटा, 1 TB 2 TB के डेटा, इतने सारे डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वीडियो मूवी स्क्रिप्ट काफी सारे चीजें उसके अंदर स्टोर कर रख सकते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB तक से भी ज्यादा डेटा, राउंड अबाउट 700 MB तक का डेटा वो कॉम्पैक्ट डिस्क जो आती है उसमें स्टोर होता है। ऐसे DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क उसके अंदर भी आप 4 GB के भी ज्यादा राउंड अबाउट 4 GB डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। काफी सारे प्रोग्राम्स मूवीज वीडियो सॉन्ग्स गेम्स काफी सारी चीजें आप उस पर रख सकते हैं। USB और फ्लैश ड्राइव मतलब हमारी पेन ड्राइव बच्चों, जो पेन ड्राइव आती है 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 32 आती है ना बच्चों, जैसे कि हम डेटा कहीं भी ले जा सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, कितनी सारी स्टोरेज कैपेसिटी, कितने सारे मूवी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उस पर डाल सकते हैं और लंबे अरसे तक उस पर संभाल सकते हैं। जैसे मोबाइल में बच्चों हमारे पास मेमोरी कार्ड आता है 1 GB का 2 GB 4 GB 8 GB 16 32 64 128 जिसमें हम काफी अरसे तक अपने स्ट्रक्चर अपने डेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वीडियो मूवीज स्टोर कर संभाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 1 था जिसमें हमने देखा जाए और व्हाट इज कंप्यूटर का कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन जो ही देखी, उसके बाद हमने हाउ इट वर्क्स कैसे वर्क होता है कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग रेट और आउटपुट बेसिक हाउ इट वर्क्स उसके बारे में देखा, फिर हमने कंप्यूटर के फाइव जनरेशन देखे, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, और बच्चों हमने आज एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखी, एक कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर को मशीन्स बाकी के मशीन और ह्यूमन से वो डिफरेंशिएट करती है और उसको एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करती है। उसमें 5 देखी, स्पीड एक्यूरेसी वर्सेटिलिटी डिलीजेंस एंड लार्ज स्टोरेज और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो बच्चों हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन और इस आंसर पॉइंट के साथ ये चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।